नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के उदयपुर जिले में दिन दहाड़े युवक कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई, जिस पर पूरे देश में इस वक्त आक्रोश है। हिंदू संगठन द्वारा हर जगह जमकर रोष व्यक्त किया जा रहा है और फतेहपुर में यही ऐसा नजारा देखने को मिला है। फतेहपुर के राधानगर चौराहे में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा इस्लामिक जिहादी हथियारों का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया है। संगठन के प्रांत मंत्री श्याम मोहन तिवारी ने कहा है कि हिंदुस्तान में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या अफगानिस्तान में रहेगा। साथ ही ऐसी प्रवृत्ति ना हो इसके लिए सरकार से हथियारों को दिन दहाड़े जिंदा जला देने की मांग की जा रही है। जिससे पूरे देश के हिंदुओं में आक्रोश है, जिससे एक वीडियो बनाकर उस हिंदू के द्वारा शासन प्रशासन से सुरक्षा की मांग करने के बावजूद उसे पर्याप्त सुरक्षा न मुहैया होने के कारण उसके दुकान में उसके प्रतिष्ठान में घुस के दिन दहाड़े उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है कन्हैया लाल जी की, उसी के विरोध में इस प्रकार का जो एक वैसी और दरिंदगी भरा जो माहौल बन रहा है कुछ विधर्मी जिहादियों के द्वारा, जिसके कारण हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा अपने हिंदुस्तान में, इस विषय को लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल संपूर्ण राष्ट्र में अपने आक्रोश को प्रदर्शित कर रहा है और शासन प्रशासन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता है कि यदि इन घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया गया और कभी इस प्रकार की घटनाओं के विरोध में यह बहुसंख्यक हिंदू समाज संगठित होकर प्रतिकार करने उतर आया तो स्थितियां सामान्य नहीं रह जाएंगी और अपने घरों में, अपने प्रतिष्ठानों में, अपनी दुकानों में, अपनी गलियों में यदि हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो क्या अफगानिस्तान में सुरक्षित होगा, रशिया में सुरक्षित होगा, सऊदी अरेबिया में सुरक्षित होगा या पाकिस्तान में सुरक्षित होगा। आज बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इस प्रकार के जितने भी देश हैं या कभी अखंड भारत के हिस्सा हुआ करते थे और इन समय सभी में हिंदुओं की बहुसंख्यकता होती थी, लेकिन हमारी सहिष्णुता को छोड़ देख कर कोई हमें कायर न समझे। हम शांत प्रिय लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना में भरोसा करते हैं, किंतु आत्मरक्षा करने का हमें संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है और नैतिक अधिकार। जाहिर तौर पर इस वक्त हिंदू संगठनों में खासतौर पर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार यही मांग की जा रही है कि कन्हैया के जो हत्यारे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कम से कम फांसी की सजा उन्हें मिलनी चाहिए। बहरहाल अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से खबर सामने आई है जहां पर्यटन स्थल मेहताब बाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हिंदूवादी नेता नीतीश कुशवाहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मेहताब बाग में 11 सीढ़ी पर बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है और ये बर्थडे पार्टी मना रहे नेता को तलवार से केक काटते हुए भी वीडियो में देखा जा सकता है। खुलेआम तलवार का प्रदर्शन मेहताब बाग के सुरक्षा इंतजाम को लेकर कई सवाल खड़े करता है। सुरक्षा को लेकर किए गए सभी दावे इस वीडियो में फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मेहताब बाग में तलवार लेकर जाने वालों पर कब कार्रवाई होगी, ये एक बड़ा सवाल है।